हेलो फ्रेंड, नया दिन नई जगह। अब मैं आया हूँ सिटी पैलेस। मेरे बैक साइड में देखो सिटी पैलेस का गेट है। ये भी एक टूरिस्ट लोकेशन है जयपुर की। यहाँ की टिकट जो है ना, वो टिकट और जो लोकेशन है सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। मतलब बच्चों की 150 रुपये है और एडल्ट की 300 रुपये है। इसके अलावा फिर म्यूजियम है और जो डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें हैं उसकी, ये देखो आप नीचे देख लो, ये हाँ टिकट प्राइस है जो मैं शो कर रहा हूँ। बात करूँ टाइमिंग की तो टाइम यहाँ पे सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 7 बजे तक, ये सॉरी 9:30 पे ओपन हो जाता है और शाम को 7 बजे तक ओपन रहता है। ये वैसे 7 डेज ओपन है। तो चलो अब अंदर चलते हैं, टिकट परचेज करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको। हाँ ये टिकट चार्ट है अपना, देख लो। तो मैं जो टिकट लूँगा सबसे ऊपर वाली लूँगा। तो ये म्यूजियम एट नाइट है, ये सब तो नाइट वाला है। और ये सेकंड वाली जो है 400 की, ये कई चीज़ों का मिक्स है। अगर तो मेरे को तो ऊपर वाली लेनी है। सर टिकट ले लिया, अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इसको। ये एंट्री का गेट है एंड इस साइड ये जो है ना, ये स्कूल है सिटी पैलेस के अंदर ही। सिटी पैलेस प्राइमरी स्कूल है और देन फिर ये मेन गेट है जहाँ से हमें अंदर जाना है सिटी पैलेस का। दोस्तों यह महल के अंदर आ चुके हैं। मैं इस महल से जुड़ी कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ। क्या था कि जो राजा जयसिंह जो थे, अमेर फोर्ट में अपने साथ अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे रहते थे। अमेर फोर्ट पहाड़ के ऊपर है तो वहाँ पे पानी की दिक्कत तो थी, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे पानी की किल्लत ज़्यादा होने लगी। दूसरी वहाँ पे आबादी काफ़ी बढ़ने लगी। तो उस टाइम पे महाराजा जयसिंह ने जयपुर का निर्माण कराया 1727 में, और रहने के लिए अपने रहने के लिए सिटी पैलेस का निर्माण कराया। ये आप जो देख रहे हैं ये तो सिर्फ ओपन है हम जैसों के लिए, घूमने फिरने के लिए, पब्लिक के लिए ओपन है। और इसी में ही उनका महल भी है जो साइड में है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद फिर वो अमेर फोर्ट को छोड़कर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो इनके जो लास्ट थे, जो लास्ट राजा थे, वो महाराजा भवानी सिंह थे। तो भवानी सिंह जी के कोई भी बेटा नहीं था। तो उनकी जो बेटी थी दिया कुमारी, उन्होंने अपनी बेटी के, उनके जो सुपुत्र थे उनका नाम था पद्मनाभ सिंह, तो उनको टोटल ये विरासत थी, उनको सौंप दी। तो आज के टाइम पे जयपुर के जो राजा हैं वो राजा पद्मनाभ सिंह हैं, वही अकेले इकलौते इस पूरी जो भी अपनी विरासत है इसके इकलौते वारिस हैं। तो ये इसकी यहाँ की एक मतलब हिस्ट्री है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो चलिए अब इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं इस महल के दूसरे हिस्से की तरफ। आप ये सामने मेरे देख रहे हैं, इसका नाम है दीवाने आम। इसकी खासियत एक तो ये पिंक रंग है जो इस पर सफ़ेद रंग की कलाकृति की गई है, वो एक खासियत है। यहाँ की बहुत सुंदर प्यारी लुक आती है इसकी। इसका जो इस तरीके से बनाया गया है, जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा है। इसके अलावा जो मेन इसके अंदर आते घूमने के लिए, ये मेरे सामने आप देख रहे हो, ये जल पात्र हैं जिनका नाम जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 14,000 चांदी के सिक्कों को पिघला कर इनको बनाया गया था। और महाराजा माधव सिंह जी जो थे वो इंग्लैंड गए थे, तो उस टाइम पे इसमें गंगा जल भर के लेके गए थे, इसलिए इसको गंगा जली भी कहते हैं। ये दो पात्र हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं, जिसके जिनका एक का वेट 345 kg है। अगर मैं बात करूँ पानी की तो 400 गैलन पानी आता है, और लीटर में बात करूँ 2000 लीटर पानी इनके अंदर, दोनों एक के अंदर 2000 लीटर पानी आता है। बहुत ही प्यारे हैं। चलिए चलते हैं इस महल के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ पे महाराज जो राजा थे उनके पिक्चर्स लगी हुई हैं, उसमें बताया गया है कि जो राजा थे उनका नाम लिखा गया है, प्लस में नीचे बताया गया है कि किस समय तक उन्होंने राज किया, किस समय तक उन्होंने शासन किया।
निवास के अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये जो सभा निवास है इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं है, मोबाइल आप यूज नहीं कर सकते हो, 500 रुपये का फाइन है। तो इसको अंदर से कवर नहीं कर पाया। एक्चुअली क्या अंदर सभा जो मतलब राजा महाराजाओं की सभा होती थी वो है कि चेयर रखी हुई है, बहुत बड़ा हॉल है उसके अंदर दिखाया गया। दूसरा क्या जो भी इनकी जनरेशन थी, ठीक है ना, तो इससे बताया गया इतने टाइम पर इनका जन्म हुआ था और इस टाइम तक इन्होंने शासन किया था, कहाँ पढ़ने गए थे, अगर उन्होंने कुछ गेम्स जीते हैं किसी गेम में, कुछ ट्रॉफी लाई हुई है तो वो रखी हुई थी। ये पूरा एक्सप्लेन किया गया, बट वो कवर नहीं कर सकते हम मोबाइल में, अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ है कि दो जगह है जो मेन इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर पूरा दिखाया गया, उसमें हम कवर ही नहीं कर सकते, मोबाइल यूज ही नहीं कर सकते, ये बड़ी दिक्कत है। सिर्फ ये महल कवर कर सकते हैं जो चारों तरफ है। मेन जो चीज़ है यहाँ पे, वहाँ पे कैमरा अलाउड ही नहीं है। अब मेरे सामने ये जो महल देख रहे हैं इसको कहते हैं मुबारक महल। इसका जो निर्माण 19वीं सदी के अंत में महाराजा मोदो सिंह द्वितीय के ने करवाया था। इसमें क्या था, विदेशी मेहमान जो थे उनको ठहराया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना, उसके म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। इसमें महाराजा उनकी पोशाक हैं, उनके मतलब म्यूजियम है तो उनकी जो चीज़ें थी वो इसमें रखी गई हैं। तो मैंने पूछा है तो यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ होपफुली कवर कर सकूँ, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये जो म्यूजियम है इसके अंदर क्या है कि जो महाराजा जो थे उन वो एक तो पोलो खेलते थे, पोलो गेम था, तो उन्होंने जो ट्रॉफी जीती है, जो मेडल उन्होंने जो जीते हैं वो है, प्लस में उनकी पोशाक है, उनके कपड़े हैं, उनके तकिया, उनकी रजाई और उनकी कालीन जो चीज़ें ये सब दिखाई गई हैं, ठीक है ना, कौन कौन से मेडल दिए जाते थे उस टाइम पर वो सब इसके अंदर है। ये सब है इस म्यूजियम तो फोटो अलाउड नहीं है यार। मेन क्या होता है ना, फोटो और वीडियो अगर ये ओपनली बोल दें सबको कि क्लिक कर सकते हो तो सब बंदे यूट्यूब पे और फेसबुक पे में डाल देंगे तो यहाँ देखने को ना आएगा। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पे फोटो मना किया हुआ है, बहुत ध्यान रखते हैं तो इसके अंदर की क्लिक नहीं कर पाए। चीज़ें मैंने आपको बता दी अंदर सारी है। मेन क्या कपड़े ही कपड़े हैं, मतलब उनके जो पहनते थे ना, जो पोशाक थी जरा पोलो खेलते टाइम पर जो पहनते थे वो, और उनका मतलब तकिया रजाई के कवर इस तरह करके चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पर इसके अंदर, यही है म्यूजियम के अंदर। ये जो फ्रेंड्स ऑफ द म्यूजियम है महाराजा सवाई भवानी सिंह गैलरी है, इसके अंदर क्या है ना, आपको शॉपिंग कर सकते हो आप, पिक्चर्स हैं काफ़ी जो हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं और फोटो फ्रेम्स हैं, फोटो हैं महाराजाओं के हैं, कुछ मतलब हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं जो कि सेल्स के लिए मतलब है, शॉपिंग कर सकते हो अपने, तो काफ़ी कॉस्टली है तो रेट ज़्यादा की वजह से बंदे देख के आ रहे हैं, शॉपिंग इनको करनी है, जो फॉरनर है वो तो ट्राई ले रहे हैं इसमें, परचेस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ये महल है जिसमें रॉयल फैमिली अभी रहती है, सिटी पैलेस के अंदर ही है ये।